गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में दो चैप्टर्स हैं जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल का वेग वितरण का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हमने मैक्सवेल का वेग वितरण का सिद्धांत पढ़ा था और हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एफ सी एक्स डी सी एक्स का मान निकाला था और हमने मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था, अधिकतम प्रसंभाव्य वितरण फलन निकाला था, ठीक है ना। और हमने क्या निकाला था, किस मान के लिए सी एक्स के किस मान के लिए सी एक्स के किस मान के लिए पी सी एक्स का मान 1/e होता है, ये हमने निकाल लिया था। और इससे हमारे को सी एक्स का मान 2kt/m का अंडर रूट प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद इस जो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से हमें क्या समझ आता है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम मैक्सवेल का चाल वितरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब देखो, वेग वितरण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, तो चाल वितरण का अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेग और चाल जो हैं वो अलग अलग प्रकार की राशियाँ हैं। वेग जो है वो हमारी सदिश राशि है और चाल जो है वो अदिश राशि है। तो वेग के अंदर जो वेग के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं या अलग अलग मान होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है वेलोसिटी और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन स्पीड जो है वो हमारी अदिश स्केलर क्वांटिटी है और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, उसमें नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है। तो इस कारण से जो हमने मान वेग वितरण के अंदर निकाले थे वही अगर हम चाल वितरण के अंदर निकालेंगे तो उसके अंदर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना होकर जीरो से इन्फिनिटी के बीच में रह जाएगा। तो अब हम चाल वितरण का नियम वापस से, मतलब वही चीजें जो हमने वेग वितरण के सिद्धांत में पढ़ी हैं वही चीजें हम चाल वितरण के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एफ सी डी सी। तो एफ सी डी सी क्या है, एकांक आयतन में उन अणुओं की औसत संख्या है जिनकी चाल सी व सी प्लस डी सी के बीच में है, ये हमारे पास है। तो एफ सी डी सी जो है वो हमारा मुख्य रूप से वो हो गया एकांक आयतन में उन अणुओं की औसत संख्या है। एक्चुअल में एफ सी डी सी क्या है, संख्या है हमारी, और किसकी संख्या है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी चाल सी और सी प्लस डी सी के बीच में स्थित है। तो अब हम जैसे हमने वेग वितरण का नियम पढ़ लिया है उसी से हम चाल वितरण का नियम अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक 3D बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 3D बॉक्स लेंगे तो उसका आयतन हमने अज्यूम कर लिया कि उसका आयतन d³c है, उसका वॉल्यूम जो है वो d³c है। यह सी एक्स व सी एक्स प्लस डी सी एक्स, सी वाई प्लस डी सी वाई और सी जेड प्लस व सी जेड प्लस डी सी जेड के बीच में स्थित है। इस तरीके से हमने एक 3D बॉक्स ले लिया। अब हम ये, क्योंकि 3D बॉक्स जो है उसमें हम ओरिजिन को अगर मध्य में लेते हैं तो माइनस और प्लस दोनों राशियां आती हैं, हम इसे एक गोलीय कोश से प्रतिस्थापित कर देते हैं जिसका आयतन जो है वो किसके मध्य है, सी और सी प्लस डी सी त्रिज्याओं के गोले के मध्य से प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली जो 3D बॉक्स था उसका जितना वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम का हमने एक स्फेरिकल
शेल ले लिया, और स्फेरिकल शेल कैसा लिया है, उसका वॉल्यूम जो है आउटर और इनर जो वॉल्यूम है वो सी और सी प्लस डी सी है, या हम यो कहें कि उस स्फेरिकल शेल का इनर और आउटर जो रेडियाई है, त्रिज्या जो है वो हमारी सी और सी प्लस डी सी के मध्य है, ऐसे हमने प्रतिस्थापित कर लिया। तो हम गोलीय कोश का आयतन कितना होगा, अब देखो इनर शेल का तो की त्रिज्या सी है, तो अंदर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई सी क्यूब है ना, और भार वाले का, भार वाले की जो त्रिज्या है वो हमारी क्या हो गई, सी प्लस डी सी हो गई। तो इसके लिए हमारा आयतन कितना हो जाएगा, 4 पाई सी प्लस डी सी का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम इन दोनों का जब अंतर कर देंगे तो हमारे को गोलीय कोष का इसका आयतन हमारे को मिल जाएगा, इस पूरे का, ये जो हमने गोलीय कोश बनाया इसका आयतन हमें मिल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लिया, 4/3 पाई को बाहर कॉमन ले लिया और इसको हमने खोल दिया। अब इसके अंदर हमारी जो राशियां हैं, सी क्यूब तो कट गई है ना, और 3cdc² क्योंकि dc वैसे ही छोटी राशि है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और dc क्यूब और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम इन दोनों टर्म्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, 4/3 pi 3c² into dc। अब 3 और 3 तो कट गया, ये 3 और ये 3 भी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 4 pi c² dc, तो 4 pi c² dc आ गया हमारा। तो ये इतने वॉल्यूम का हमारा गोलीय कोश आपके 3D बॉक्स के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारे को करना क्या है, हमारे को FCDC निकालना है। FCDC क्या होता है, FC into D³C का होल इंटीग्रेशन, यही करा था हमने इससे पहले, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, DCX DCY DCZ, लेकिन हमने इसको किससे प्रतिस्थापित कर दिया, हमने तो इससे कर दिया है ना, तो इससे कर दिया है, तो अब इसको भी लिख देते हैं हम इसके अंदर। तो हम इसके अंदर D³C का मान 4 pi c² dc लिख देंगे D³C की जगह, लेकिन हमारे पास FC का जो मान है वो क्या है, FC का मान तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या कैलकुलेट किया था वो हम एक बार देख लेते हैं। FC का मान ये देखिए, FC का मान हमने कितना निकाला था, FC का मान निकाला था C e to the power minus mc² upon 2 kt d³c, FC d³c का मान ये था। तो ये इसी मान से ही हम उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये मैक्सवेल के वेग वितरण से ही हमने काम में ले लिया, तो हम इसके अंदर उसी चीज को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये देखिए, C e to the power minus mc² 2 kt d³c लिख दिया हमने है ना, और d³c की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 pi c² dc लिख दिया, तो FCDC का मान मेरे पास ये आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वही सीमांत मान या बाउंड्री कंडीशन लगा के C का मान पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन C के साथ साथ यहाँ पर 4 पाई भी कांस्टेंट है, हम इन दोनों को साथ में लेके एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं और उसका मान हम निकालेंगे। तो देखिए क्या करा है हमने, ये जो हम फॉर्मूला निकालेंगे ये एक्चुअल में मैक्सवेल का चाल वितरण कहलाता है, लेकिन इसके अंदर अभी ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें सी का मान अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो पहले सी का मान निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, मान लिया कि 4 pi c जो है वो आपका C' के बराबर है, ये हमने मान लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो उपरोक्त समीकरण है वो ये हो जाएगी, C' e to the power minus mc² 2 kt c t, और c² d², यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो है e की पावर जो है वो केवल इतनी ही है, ठीक है, c² dc अलग से है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा,
अब हम इसके अंदर सीमांत मान निकालेंगे। तो जो सीमांत मान लगाएंगे, तो जो हमने पहले यूज किया था वो ही हम यहाँ पर भी काम में लेंगे कि एफ सी डी सी जो है वो क्या है, एकांक आयतन में उन अणुओं की संख्या जिनकी चाल सी व सी प्लस डी सी के बीच है। तो अब हमारी अणुओं की चाल 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 लिखा है मैंने, है ना, माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखा है। तो वो क्या हो सकती है, औसत अणुओं की संख्या के बराबर यानी कैपिटल एन के बराबर होगी, है ना। तो हम 0 to infinity एफ सी डी सी अगर इंटीग्रेट करें, एफ सी डी सी को अगर 0 to infinity इंटीग्रेट करें तो वो एन बार के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये औसत संख्या है एकांक आयतन में अणुओं की। तो हम एफ सी डी सी का मान रख देते हैं, तो सी डैश तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें भी हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखो ये बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, ax2 x2 dx, जहां पर x का मान कौन कर रहा है, c कर रहा है ना। तो c की जगह अगर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का x देखें और इस राशि की जगह m2 kt की जगह हम a देखें, तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है। और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मान जो है वो पाई बाई ए का अंडर रूट होता है, तो हम वो मान लगा देते हैं, 1/4a और आता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी डैश 1/4a अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए बराबर एन बार, इससे सी डैश निकल गया हमारा, है ना। ये सी डैश का मान हमारे एफ सी डी सी वाले सूत्र में रख देते हैं। तो ये असल में क्या, पहले तो हमने सी ए की टर्म्स में निकाला, फिर ए का मान रख दिया, ए का मान रखने के बाद सी आपको इतना बड़ा सारा मिल गया। तो इस आधार पर हमारा जो एफ सी डी सी है वो कुछ समीकरण ए, जो कैपिटल ए वाली समीकरण है, उससे ज्ञात हो गया। अब ये एफ सी डी सी क्या है, ये हमारी उन अणुओं की संख्या है, एकांक आयतन में उन अणुओं की संख्या है जिनकी चाल सी व सी प्लस डी सी के बीच है। तो हमने ये निकाल लिया, और ये हमारा क्या है, मैक्सवेल का चाल वितरण का नियम चाल वितरण को प्रदर्शित करता है। अब हम इसके अंदर अणुओं का वह भाग जो केवल जिनकी चालें केवल सी और सी प्लस डी सी के बीच हो, अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो एन बार से भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास ये अणुओं का वह हिस्सा आ गया एन बार से भाग लगाते ही। एक चीज और है, जो हम एफ सी डी सी अपॉन एन बार जो लिखते हैं वो वास्तव में है क्या, प्रायिकता की परिभाषा से वो तो पी सी डी सी है। तो पी सी डी सी जो है प्रायिकता है उन अणुओं की जिनकी चाल सी और सी प्लस डी सी के बीच में रह सकती है, उसकी प्रायिकता है। तो हमारा क्या हो गया, वो प्रायिकता किसके बराबर हो गई है, एफ सी डी सी अपॉन एन बार के बराबर हो गई। ये हमने पहले स्टार्टिंग में डिफाइन कर चुके हैं, तो उस आधार पर हमने ये पी सी डी सी का मान लिख लिया, तो ये हमारा आ गया। अब ये जो समीकरण हमारी है, ये जो अभी हमने निकाली है, ये हमारी वास्तव में मैक्सवेल की चाल वितरण का सूत्र या चाल वितरण का फलन कहलाता है, ठीक है। अब हम जो ये चीज हमने पढ़ी है उसके हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो डिस्कशन से हमको क्या समझ आएगा। तो हम सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एफ सी और सी में अगर हम ग्राफ बनाए तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है इसमें देखो यो इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हमने कैसे जस्टिफाई किया है कि जब मान लो सी को प्रारंभ में आपने बढ़ाना शुरू करा तो क्या होगा, तो जब सी बढ़ना शुरू होता है तो इसके अंदर क्या होगा, आप इसको देखिए एफ सी डी सी को, इसके अंदर दो भाग हैं, एक तो सी स्क्वायर वाला भाग है जो सी के साथ बदलेगा और दूसरा e टू दी पार माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kt वाला भाग है जो भी c के बढ़ने के साथ चेंज होगा। तो इन दोनों का ही मुख्य आधार रख के हम एफ सी डी सी का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें
ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब सी हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म क्योंकि माइनस में है इसलिए एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो घटना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी फेज स्पेस है वो हमेशा सी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सेकेंड टर्म जो है हमारी एफ सी की वो सी स्क्वायर है, लेकिन वो सी के साथ बढ़ेगी, तो एक टर्म तो कम कर रही है और दूसरी टर्म उसको बढ़ा रही है, तो रिजल्टेंट क्या प्रभाव दिखाई देगा कि एफ सी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जैसा हमारे को ग्राफ में दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जब सी का मान बहुत ज्यादा कम होता है तो एफ सी स्क्वायर जो है वो केवल सी स्क्वायर पे ही निर्भर करता है, एक्सपोनेंशियल टर्म तो इतनी मतलब वन होती है, और उसके बाद जब सी का मान बढ़ने लगता है तो वो और कम होना शुरू हो जाती है। तो प्रारंभ में तो एफ सी जो है वो सी स्क्वायर से बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म नेगेटिव करना शुरू करती है तो वो और धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज होते हुए, इंक्रीज तो होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। और सी का मान बढ़ते जब अगर सी का मान बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारी सी स्क्वायर वाली टर्म की बजाय ये वाली टर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसका प्रभाव हमें ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो हमारे को जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ हो गया, एक परवलय पैराबोलिक ग्राफ होगा। इसमें क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर अधिकतम आया और फिर न्यूनतम होके डिक्रीज होता चला जाता है एक्सपोनेंशियली। तो जो जिस बिंदु पे एफ सी डी सी का मान अधिकतम होता है, जिस उस पर जो चाल है वो हमारी अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहलाती है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इज अटेंड एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सी जीरो, उसको हम सी जीरो नाम दे देते हैं। अच्छा, ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर सिमेट्री नहीं है इस ग्राफ में। तो क्या है, राइट साइड ऑफ मैक्सिमम एरिया एनक्लोज बाय कर्व इज मोर देन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वो बड़ा होता है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का एरिया कम होता है, राइट हैंड साइड का एरिया जो है वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो हमारी सी जीरो से ज्यादा है, ठीक है। तभी मॉलिक्यूल्स जो जिनकी सी जीरो से ज्यादा स्पीड है वो संख्या में ज्यादा है और सी जीरो से कम स्पीड वाले संख्या में कम है, इसलिए अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्री नहीं बनती। अब ये जो सी जीरो का मान है ये कैसे हम निकाले, इसको हम देख लेते हैं। अब देखो सी जीरो क्या है, सी जीरो वो चाल है जहां पर हमारा एफ सी का मान अधिकतम हो जाता है, तो इसको निकालना बड़ा ही आसान है। अगर हम एफ सी को सी के सापेक्ष अवकलन कर दे, यानी एफ सी का डिफरेंशिएट कर दे सी के रिस्पेक्ट में, और उसको क्योंकि मैक्सिमा का मान है तो उसको इक्वल टू जीरो रख दे, तो हम उसको सी जीरो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर यही करा है, डेल बाय डेल सी, डेल एफ सी अपॉन डेल सी एट सी बराबर सी जीरो, तो उसका मान जीरो होना चाहिए क्योंकि वो अधिकतम मान है, एफ सी का मान हमने निकाल रख दिया और अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करा कुछ इस प्रकार से, एक बार एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एक बार सी स्क्वायर का हो जाएगा, और इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करके लिख लिया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सिंपली ये आ जाता है, e टू दी पार 2 एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी बराबर जीरो।
अगर हम इधर वाले को भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें या दोनों तरफ से एक्सपोनेंट हटा दें, या हम यूँ कहें दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, एम सी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 KT बराबर 1। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सी स्क्वायर की जगह मैंने अब सी जीरो लिख दिया, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास सी जीरो का मान आ गया। तो अब हमने सी जीरो का मान निकाल लिया इससे, सी जीरो का मान क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 KT अपॉन एम। तो ये हमारा क्या आ गया, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मान आ गया। ये हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सी जीरो कैलकुलेट करना। इसके साथ में दो चीजें और निकालने का अक्सर आता है क्वेश्चन, वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। अब इसी के अंदर हम एक दूसरी चीज पढ़ते हैं, पीक हाइट ऑफ पीसी कर्व। तो पीसी वक्र अगर हम बनाए, तो पीसी वक्र जो है वो भी एफ सी जैसा ही ग्राफ होगा। और हम क्या कर रहे हैं, पीसी वक्र की जो शिखर ऊंचाई है, मतलब पीक वैल्यू है, पीक हाइट है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीसी का फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, सी का मान सी जीरो रख देते हैं। तो पीसी का अधिकतम मान जो है वो सी बराबर सी जीरो का जो भी वैल्यू है वो हम रख दे, तो हमारी ये कुछ इस तरीके का मान हमारे को प्राप्त होता है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इतना प्राप्त हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें कि एम पर डिपेंडेंट हो गया ये मान, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर भारी अणु है, हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए तो पीसी मैक्सिमम ज्यादा होगा, सी के लिए कम, सी के लिए ज्यादा होगा, और हल्के अणुओं के लिए हमारा कम होगा, पीसी मैक्सिमम का मान कम होगा कम सी के लिए। और इसके अंदर एक चीज और देखी जाती है कि अगर टी का मान बढ़े तो पीक क्या होगा, क्योंकि पीसी मैक्सिमम का मान कम हो जाएगा तो पीक का मान डिक्रीज होता है, और ऑब्टेंड फॉर मोर सी, और टी का मान जो है वो इंक्रीज करने पर ज्यादा सी पर पीक आएगा। तो देखो इसके अंदर हाइड्रोजन को अगर हम टी बराबर 120 केल्विन पे लेते हैं, फिर 300 पे लेते हैं, तो हमारा ये वाला जो है वो हमारा पीक काफी नीचे है और बहुत हायर सी के मान पर आपको प्राप्त होता है। और 300 केल्विन पे आप क्या देखते हो कि पीक उसका थोड़ा ज्यादा है और जल्दी प्राप्त हो गया, ठीक है, सी का मान ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ा। तो ये दो चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। और एरिया एनक्लोज्ड ऑलवेज रिमेन द सेम, तो जितना ही जो एरिया है किसी भी गैस के सापेक्ष, ये एरिया ऑफ द ग्राफ वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर पीक ज्यादा होगा तो वो सकड़ा हो जाएगा ग्राफ, और अगर पीक फ्लैट है तो वो चौड़ा हो जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरीके का बिहेवियर रहता है हमारा। अब एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है जो हम निकालेंगे, वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सी बार, या हम एवरेज मान ऐसे लिखते हैं, वो हो जाएगा 1/n बार इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ सी डी सी। ये एवरेज स्पीड का सूत्र है। तो हम इसमें एफ सी डी सी का मान रख देते हैं, एफ सी डी सी का मान रख दिया, और उसमें सी स्क्वायर है और यहाँ सी है, तो ये सी क्यूब हो गया। अब हमारे को इसको एन बार तो देखो कैंसिल हो गया, 4/√π को बाहर निकाल लिया, और हमने इसको m/2 KT को a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a/3/2 e^-ac² c³ dc हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म बन जाता है। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो फॉर्म बनता है एक्चुअल में, इसमें क्या है, देखो m/2 KT को भी बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो इन्होंने a/3/2 को भी बाहर निकाल लिया, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया जिसका मान हमेशा होता है 1/2a² तो 1/2a² रख दिया हमने, है ना। और फिर इसको सिंप्लीफाई करके a का मान, और 2/√a π आ गया, a का मान अब रख देते हैं,
ए का मान रख दो, तो ए का मान रखते ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन एम पाई। तो ये चीज क्या आ गई आपकी, औसत चाल का मान आ गया। तो औसत चाल का मान क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 KT अपॉन एम पाई। अब ऐसे ही एक चीज और निकालेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछी जाती है, आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्य मूल चाल। तो उसका मान क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बार जो है, या एवरेज मान जो है वो कैसे निकालते हैं, 1/n 0 to ∞ इंटीग्रेट करा सी स्क्वायर एफ सी डी सी होता है। तो एफ सी डी सी का मान फिर रख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें फिर हम ए का मान जो पहले माना था वैसे ही ए का मान भी मान लिया। तो कुछ इस तरीके का हमारे को इंटीग्रेशन मिल जाता है, सी फोर ई टू दी पार माइनस ए सी स्क्वायर डी सी। अब क्योंकि इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से करेंगे। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जो मान है वो आता है 3/8 पाई अंडर रूट पाई ए 5, ठीक है, और इज इक्वल्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2a आ गया, a का मान रख दो तो 3 KT अपॉन एम आ गया। ये चीज हमारी आ गई। इससे हमारा CRMS का मान जो है, CRMS का मान होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर रूट करो। तो हमने स्क्वायर तो निकाल लिया और मीन स्क्वायर मान तो पहले निकाले, ये जो चीज थी ये मीन स्क्वायर मान था। अब इसका अंडर रूट और ले लेते हैं, तो अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 KT/m आ जाएगा। तो ये हमने तीन मान निकाल लिए, CRMS का मान निकाला हमने, औसत चाल का मान हमने निकाल लिया और हमने C0 का मान भी निकाल लिया। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ये पूछा जाता है। तो अगर हम इन तीनों को देखें एक साथ रख के, ये तीनों हमने मान रख दिए, तो हम पाते हैं कि CRMS का मान सबसे बड़ा होता है, सी बार का मान उससे छोटा और C0 का मान सबसे छोटा होता है। अगर हम इनको रेशो की टर्म्स में लिखें तो ये CRMS सी बार और C0 के बीच में जो रेशो है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अधिकांशतः हर साल पूछ लेते हैं, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको तीनों की जो कैलकुलेशन है ये अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।